हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्थी। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जावा के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इसमें जावा की फीचर्स, जावा को किसने इन्वेंट किया, क्यों हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। जावा इज़ हाई लेवल थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा हाई लेवल की थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। हमने कंप्यूटर्स में जनरेशन पढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन। तो हमारी जावा थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी। लाइक सी, फोर्ट्रन, जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रन है, स्मॉल टॉक है, पर्ल है और मैनी अदर लैंग्वेज, उन सभी लैंग्वेज की तरह हमारी जावा लैंग्वेज भी है। यू कैन यूज जावा टू राइट कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप यूज करते हैं जावा को राइट करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट प्ले गेम्स, जो प्ले करती है गेम्स, स्टोर डेटा और डू एनी ऑफ थाउजेंड ऑफ अदर्स थिंग्स, और कुछ अदर्स थिंग्स करने के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन डू कंपेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डू कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज मोस्ट सिमिलर टू सी। जावा मोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है सी लैंग्वेज की तरह। जावा लैंग्वेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। एंड बिफोर बिगिनिंग ऑफ जावा वी हैव टू लर्न कंसेप्ट ऑफ ओप्स। बिगिनिंग ऑफ जावा से पहले हम कंसेप्ट ऑफ ओप्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा लैंग्वेज किसने डेवलप करी थी? जावा लैंग्वेज जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप की थी, ओक ट्री के नीचे डेवलप की गई थी ये। और पहले जावा लैंग्वेज का नाम ओक था, क्योंकि ये ओक ट्री के नीचे डेवलप करी थी। जेम्स गॉसलिंग की टीम थी, उन्होंने ओक ट्री था उसके नीचे डेवलप की थी। ओक ट्री कॉफ़ी का ट्री था जिसका नाम था ओक, OAK। उस पेड़ के नीचे इन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की थी और वो कॉफ़ी का था, इसीलिए इसका नाम चेंज करके करा गया जावा लैंग्वेज। अब इसमें है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिक कंसेप्ट हैं ओप्स के। देर आर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज फॉलो। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी होती हैं। ऑब्जेक्ट आर इंपॉर्टेंट रन टाइम एंटिटी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथड में दे मे कैरेक्टराइज ए लोकेशन, ये कैरेक्टराइज करते हैं लोकेशन को, बैंक अकाउंट एंड टेबल ऑफ डेटा और एनी एंट्री दैट प्रोग्राम मस्ट हैंडल, और कोई भी एंट्री जिसे प्रोग्राम हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट का डेटा कैसे होगा? उसका नेम है, एड्रेस, मार्क्स। अगर हम मार्क्स, नेम, एड्रेस की बात करें तो वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही है। वो किसी भी क्लास का हो सकता है, फर्स्ट का भी हो सकता है, फिफ्थ का भी हो सकता है, एट्थ का भी हो सकता है, किसी भी क्लास का हो सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट है। उसकी डेटा वेरी करेगा, जैसे कि नेम, नेम अलग हो सकता है, नेम उसका अलग हो सकता है, एड्रेस अलग हो सकता है, मार्क्स अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के अंदर जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट आएंगे स्टूडेंट के अंदर। इसके बाद है मेथड। मेथड में टोटल, एवरेज, आपके मेथड्स हो सकते हैं, टोटल में आपके टोटल्स निकल के आएंगे, एवरेज में उनका जो एग्रीगेट है वो निकल के आता है हमारा एवरेज में। इसके बाद है ईच ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा एंड कोड टू कोऑपरेट द डेटा, ऑपरेट द डेटा। हर एक ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखेगा डेटा को और कोड को, जो ऑपरेट करेगा डेटा को। इट इज़ सफिशियंट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैसेज। ये सफिशियंट है आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ मैसेज रिसीव एंड टाइप ऑफ रिप्लाई रिटर्न बाय द ऑब्जेक्ट। किस टाइप का मैसेज रिसीव करा हमारे ऑब्जेक्ट ने और किस टाइप का रिप्लाई रिटर्न करा हमारे ऑब्जेक्ट ने। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ऑब्जेक्ट है हमारा कार। डेटा क्या हो सकता है? कलर, कॉस्ट, मेथड उसके अंदर हो सकते हैं, लॉक इट, ड्राइव इट, कैसे उसे लॉक करा जाएगा, कैसे उसे ड्राइव करा जाएगा। ऑब्जेक्ट है हमारा कार। कार के अंदर हमारी सारी कार आएंगी, जितनी भी हमारी कार हैं सभी तरह की कार हमारी कार के अंदर आ जाएंगी। डेटा उसका वेरी कैसे करेगा? कलर सब कार्स के अलग अलग हो सकते हैं, कॉस्ट अलग अलग होंगी, वेरी करेंगी, कॉस्ट भी वेरी करेंगी और कलर भी वेरी करेंगी, रेड, ब्लू, ग्रीन, सब कलर अलग अलग वेरी कर जाएंगे और कॉस्ट भी वेरी कर जाएंगे। मेथड में लॉक इट, लॉक करने का मेथड अलग अलग हो सकता है सभी कार्स को,
और ड्राइव इट, उनको ड्राइव करने का मेथड भी अलग अलग हो सकता है। अब है क्लासेस। क्लासेस में क्या होगा, क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टी। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा सिमिलर प्रॉपर्टी का, एट्रीब्यूट का, एक जैसी प्रॉपर्टी, एक जैसे एट्रीब्यूट का जो सेट होगा उसे हम बोलेंगे क्लास। क्लास सेट होता है ऑब्जेक्ट का, सिमिलर प्रॉपर्टी यानी कि उसके एट्रीब्यूट। जैसे कि हमारे सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे हो सकती हैं, कार के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट था कार, तो वो उनका कार का सेट क्लास हो सकता है। कॉमन बिहेवियर, कॉमन बिहेवियर पे उनका बिहेवियर एक जैसा हो जो उनके ऑपरेशन परफॉर्म कर जा रहे हैं। एंड कॉमन लिंक, उनके लिंक एक जैसे हो टू अदर ऑब्जेक्ट। क्लासेस आर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लासेस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं। जैसे कि हमने HTML लैंग्वेज में हम अपने कोड डिफाइन करते थे, हम उसमें किस तरीके का प्रोग्रामिंग जो भी हम चाह रहे थे वो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते थे, इसी तरीके से क्लासेस के अंदर जो डेटा है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि यूजर खुद डिफाइन करेगा अपनी क्लास, वो किसे क्लास बनाना चाह रहा है, वो पब्लिक चाह रहा है क्लास या प्राइवेट क्लास बनाना चाह रहा है। एंड वर्क लाइक द बिल्ट इन टाइप, और वर्क करना लाइक इन बिल्ट इन टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वंस द क्लास हैज़ बीन डिफाइंड, एक बार क्लास डिफाइन कर दी, वी कैन मेक एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्लास बनाई उसके अंदर हम एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक बार हमने क्लास बना ली, हम उसके अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। बिलोंगिंग टू दैट क्लास, उस क्लास से बिलोंग हों वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट। ईच ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड विद डेटा ऑफ टाइप क्लास, हर एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड होगा डेटा ऑफ टाइप क्लास विद विच दे आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल, हमने एक क्लास बनाई व्हीकल, व्हीकल के अंदर कार आ गई, कार ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर एक नंबर दे दिया MH 101 1234, उसकी कॉस्ट दे दी 4 लाख, कलर दे दिया उसका रेड। ये सब अलग, ये हमारी क्लास थी व्हीकल, कार हमारा ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट हैं वो हमने डिफाइन कर दिए कि MH 101 1234, और उसकी कॉस्ट और कलर हमने बता दिए, उनकी कॉस्ट क्या है और उसके कलर क्या क्या हैं। इन अवर एग्जांपल वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इस एग्जांपल में हमने क्रिएट करा ऑब्जेक्ट को MH 101 1234 बिलोंगिंग टू द क्लास कार, क्लास कार से बिलोंगिंग था ऑब्जेक्ट, डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द डिफरेंट इन देयर एट्रीब्यूट वैल्यू रिलेशनशिप टू अदर ऑब्जेक्ट। अब है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर करता है एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करना विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन, बिना इंक्लूड किए हुए बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे रेफर करता है बिना इंक्लूड करे हुए बैकग्राउंड डिटेल। फॉर एग्जाम्पल बाइक, बाइक का हम एग्जाम्पल लेते हैं, बाइक मोटरसाइकिल जो हमारी होती हैं वो परचेज करते टाइम हम ये देखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका कलर कैसा है, एवरेज कितना है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। हमें उसकी एक्सटर्नल डिटेल है, एक्सटर्नली पता है हमें, लेकिन हम उसकी इंटरनल डिटेल नहीं लेते, विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल उसकी इंटरनल डिटेल को हाइड कर ले जाता है। कैसे वो बाइक वर्क कैसे कर रही है, उसके गियर कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर इंटरनली क्या वर्क हो रहा है, इंजन उसका कैसे वर्क कर रहा है, हम उस चीज़ की डिटेल नहीं लेते, हमें उन चीज़ों का नहीं पता करते। हम क्या करते हैं, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, उसका इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार, कार का भी हम ये देखते हैं उसका कलर कैसा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कौन सी कंपनी की है, क्या उसका एवरेज है, ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं। लेकिन उसमें इंटरनली वर्किंग कैसे हो रही है, उसका इंजन कैसे वर्क कर रहा है, उसके गियर कैसे वर्क कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को नहीं इंक्लूड करते। तो वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल या विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरनल डिटेल, उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस यूज कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड आर डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट सच एज साइज। क्लास कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का और डिफाइन करते हैं लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट जैसे कि साइज, कॉस्ट,
एंड फंक्शन ऑपरेट ऑन दीज एट्रीब्यूट, साइज कॉस्ट फंक्शन ऑपरेट होते हैं एट्रीब्यूट पर. दे समराइज ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर टू बी क्रिएटेड. ये समराइज करते हैं सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जो क्रिएटेड की गई है. अब है डेटा एनकैप्सुलेशन. डेटा एनकैप्सुलेशन मीन्स वार्पिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट. डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब है वार्पिंग करना डेटा और फंक्शन को इनटू सिंगल यूनिट. क्लास एग्जांपल दे दिया. क्लास इट इज मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ क्लास. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है क्लास की. द डेटा इज नॉट ईजी टू गेट टू आउट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ये डेटा जो है वो ईजी नहीं है गेट करना आउटसाइड वर्ल्ड से. एंड ओनली दोज फंक्शन विच आर एनक्लोज, दोज फंक्शन विच आर एनक्लोज इन क्लास कैन एक्सेस इट. और केवल वो ईजी टू गेट नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड से और जो फंक्शन है वो एनक्लोज नहीं होंगे क्लास में, कैन एक्सेस इट. दीज फंक्शन प्रोवाइड द बाउंड्री बिटवीन. ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं बाउंड्री बिटवीन ऑब्जेक्ट डेटा एंड प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट डेटा प्रोग्राम की. दिस इंसुलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस, ये इंसुलेशन है डेटा का डायरेक्ट एक्सेस करता है बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग. बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, डेटा को हाइड कर लेना. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन इन, इंफॉर्मेशन इन में डेटा प्रोसेस फंक्शन इंफॉर्मेशन आउट. इंफॉर्मेशन आई उसको डेटा के अंदर रखा, प्रोसेस हुई, फंक्शनिंग करी और फिर इंफॉर्मेशन आउट. ये जो प्रोसेस था हमारा ये हाइड कर लिया. इंफॉर्मेशन आई डेटा के अंदर गई, प्रोसेस फंक्शन ये हाइड कर लिया और इंफॉर्मेशन आउट. उसके बाद है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का हिंदी में मतलब होता है पैतृक. पैतृक जो हमें मिली विरासत में मिली हो उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेंस, जो हमें विरासत में मिलती हैं. इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास कैन गेट द प्रॉपर्टी ऑफ अनादर ऑब्जेक्ट ऑफ अनादर क्लास. इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक क्लास प्रॉपर्टी ले लेता है ऑब्जेक्ट की अनादर क्लास की. इनहेरिटेंस में एक क्लास अनादर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है. इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच वन क्लास गेट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनादर क्लास. एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, उसे ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट इनहेरिट डेटा बिहेवियर फ्रॉम अनादर क्लास. इनहेरिटेंस का मतलब इन्होंने बताया है एक क्लास का ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर ले डेटा और बिहेवियर अनादर क्लास की. इसके लिए हम एक लाइव एग्जाम्पल देते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप अपने फादर पे गए हो, आप अपनी मदर पे गए हो, तो उनके अंदर वो गुण आए, उनके अंदर वो कुछ ऐसी फीचर्स, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट, कुछ ऐसा बिहेवियर आया उनका, कुछ इस तरीके का बिहेवियर हुआ जिसे देखकर ये बोला जाता है कि ये बच्चा अपने फादर पे गया है या अपनी मदर पे गया है. इस तरीके से जो बोलने का रीज़न होता है वो यही होता है उन्होंने कुछ अपनी फीचर, कुछ बिहेवियर या कुछ एट्रीब्यूट इनहेरिट करे अपने पेरेंट्स के या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, जिसकी वजह से हम बोलते हैं छोटे से बच्चे को देखने के बाद कि ये बच्चा अपने दादाजी पे गया है या अपनी मदर पे गया है या अपनी दादी जी पे गया है. तो उसी चीज़ को बोला है इनहेरिट करना, फीचर को इनहेरिट कर लिया ऑब्जेक्ट ऑफ अनादर क्लास, अनादर क्लास का बिहेवियर या फिर बिहेवियर ऑफ अनादर क्लास. हम बच्चे को भी तो इसीलिए बोलते हैं उसका या तो हम बिहेवियर देखकर या हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर या उसका फेस देखकर, कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है जिससे हम बोलते हैं. तो वही बात यहाँ पर है, किसी और क्लास की फीचर को एक्वायर करना, किसी और क्लास के बिहेवियर को इनहेरिट करना, किसी और क्लास के बिहेवियर को लेना, उसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस. उसके बाद है दिस दैट मीन्स वी कैन इंक्लूड एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसका मतलब है हम इंक्लूड कर सकते हैं एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक टू एन एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफिकेशन. एग्जिस्टिंग क्लास में बिना किसी मॉडिफिकेशन के दिस इज पॉसिबल ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास. ये पॉसिबल है ड्राइव करना नई क्लास को एग्जिस्टिंग क्लास से. फॉर एग्जाम्पल व्हीकल कार हुंडई सेंट्रो एसेंट. अब हमने सेंट्रो और एसेंट से क्या लिया, इनके अंदर किसकी फीचर है हुंडई की, हुंडई के अंदर किसकी फीचर है कार की, और कार के अंदर किसकी फीचर है व्हीकल की. देखो व्हीकल से कार के अंदर इनहेरिट हुई प्रॉपर्टी,
इनहेरिट हो गई, क्योंकि व्हीकल के अंदर कार आती हैं, उसकी फीचर्स हैं, हम उसे व्हीकल बोल सकते हैं। कार के अंदर हुंडई एक अलग अपना कंपनी है, लेकिन है तो वो कार ही, तो इसीलिए हुंडई के अंदर बोल सकते हैं। अब हुंडई की कुछ फीचर सेंट्रो रेसेंट के अंदर है, तो इसीलिए हम उन्हें बोल सकते हैं। तो ये फीच इनहेरिटेंस हुआ, इनहेरिट कर लिया, जैसे क्लास ए ने बी की क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, इसी तरीके से बोला गया है। इन फिगर द सेंट्रो इज अ पार्ट ऑफ द क्लास, सेंट्रो पार्ट है क्लास ऑफ हुंडई, सेंट्रो पार्ट है क्लास ऑफ हुंडई का, विच इज अगेन पार्ट ऑफ क्लास कार। सेंट्रो किसका पार्ट है? हुंडई क्लास का, और हुंडई किसका अगेन पार्ट है? कार का, और कार किसका पार्ट है? कार पार्ट है व्हीकल का। तो इस तरीके से इनहेरिट हुई प्रॉपर्टी, सुन सेंट्रो ने हुंडई की है, हुंडई ने कार की है, और कार ने व्हीकल की है। तो हुंडई को बोला गया सेंट्रो पार्ट है हुंडई का, हुंडई पार्ट है कार का, और कार किसका पार्ट है? व्हीकल का, इस व्हीकल का पार्ट है। दैट मीन्स व्हीकल क्लास इज पेरेंट क्लास, जिसका मतलब है व्हीकल क्लास पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, और ये भी चाइल्ड क्लास है, लेकिन इसके लिए हुंडई के लिए कार पेरेंट क्लास है। इसमें सुपर क्लास, सब क्लास होते हैं, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास होते हैं। ये हमारी सुपर क्लास है व्हीकल, और ये सब क्लास है कार, कार उसी की क्लास है, और हुंडई के लिए सुपर क्लास है कार। तो इसीलिए इसी तरीके से बोला गया है व्हीकल पेरेंट क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास है कार, कार पेरेंट क्लास है हुंडई के लिए, हुंडई कार का चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास है उसके लिए। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, पॉली मैनी है और मॉर्फ फॉर्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एबिलिटी होना, जिससे एक से ज्यादा फॉर्म को लिया जा सके। इट मीन्स ऑब्जेक्ट दैट कैन टेक ऑन और एज्यूम मैनी डिफरेंट फॉर्म, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जिन्हें ले सकते हैं एक से ज्यादा फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, दो वर्ड है, पॉली, पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फ का मतलब फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म होना किसी चीज को, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल इन ए पेरोल सिस्टम, पेरोल सिस्टम की अगर हम बात करें, मैनेजर ऑफिस स्टाफ एंड प्रोडक्शन वर्कर ऑब्जेक्ट ऑल आर रेस्पॉन्स टू कंप्यूट पेरोल मैसेज, ये सारे रेस्पॉन्सिबल है कंप्यूट पेरोल मैसेज के लिए, बट द रियल ऑपरेशन परफॉर्म आर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर, लेकिन जो रियल ऑपरेशन है वो परफेक्ट परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर। जैसे सेप, उसके अंदर ड्रॉ आया, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, ड्रॉ रेक्टेंगल, स्क्वायर ऑब्जेक्ट ड्रॉ स्क्वायर, सर्कल ऑब्जेक्ट ड्रॉ सर्कल। हमें सेप ड्रॉ करनी है, सेप ड्रॉ करनी है, पॉलीमॉर्फिज्म एक से ज्यादा तरीके ड्रॉ करने के। अब हम ड्रॉ ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं और सर्कल भी कर सकते हैं, किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है वो बात बोली जाती है पॉलीमॉर्फिज्म, एक काम को एक से ज्यादा तरीके से करना। अब है डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग को हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। बाइंडिंग रेफर टू द लिंकिंग ऑफ प्रोड्यूसर सेल, बाइंडिंग रेफर करती है प्रोड्यूसर सेल को, टू द कोड टू बी एग्जीक्यूट रेस्पॉन्स टू द कॉल, रेस्पॉन्स करना कॉल के एग्जीक्यूट में। डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स दैट द कोड रिलेटेड विद द गिवन प्रोड्यूसर सेल इज नोन एज अंटिल द टाइम ऑफ द कॉल रन टाइम, रन टाइम पर भी हम कॉल कर सकते हैं डायनेमिक बाइंडिंग को, यही होता है हमारा डायनेमिक बाइंडिंग के अंदर। सो स्टूडेंट, आपको जावा, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स, यू हैव टू लर्न एंड रीड इंट्रोडक्शन ऑफ जावा एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स। थैंक यू।